हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 53 देयर और अ पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप के इज अ कांस्टेंट द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ सो हमें इसके पाथ की इक्वेशन लिखनी है मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन लिखना है और हमें क्वेश्चन में देके रखा है इसका वेलोसिटी का इक्वेशन वी वेक्टर इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप आई सिंपली मल्टीप्लाइड दैट के विद दिस वाई आई कैप एंड के एक्स जे कैप सो so, यहाँ पर हमें इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों देके रखा है इट मींस हमारे पास है डी एक्स बाय डी टी सो एज वी कैन राइट वेलोसिटी एज डी एक्स बाई डी टी और आल्सो एज डी वाई बाई डी टी सो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो गिवन है वो है के इन वाई एंड जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है डी वाई बाई डी टी वो गिवन दे के रखा है के एक्स बिकॉज दिस इज़ जे कैप दिस इज आई कैप सो आई कैप मीन्स फॉर द एक्स कंपोनेंट जे कैप फॉर वाई कंपोनेंट तो डी एक्स बाई डी टी स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखना है फॉर द पाथ मीन्स हमें इसके वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को रिलेट करना है फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट दिस अकॉर्डिंगली लाइक आई राइट डी वाई बाई डी एक्स लेट सपोज आई राइट डी वाई बाई डी एक्स सो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख लेता हूँ सो इट इज़ लाइक डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाय डी टी ये एक ही बात है आई सिंपली मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद डी टी डि डी टी एज वेल सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू देखिए फ्रेंड्स मैं इसे और फर्दर राइट कर सकता हूँ डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाय डी एक्स सो वी हैव द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी टी डी वाई बाय डी टी इज सिंपली के एक्स एंड वी हैव डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के वाई सो ऑब्वियसली डी एक्स बाय डी टी कम्स आउट टू बी वन अपॉन के वाई K, cancel ho so we have dy upon dx equal to x upon y so from here we will simply do the integration and get the answer for x and y we get the relationship for x and y so we do the cross multiplication it is like y dy and it is equal to x dx then we integrate both sides we get y square by 2 equal to x square by 2 plus some constant because obviously it is a indefinite integral so from here we can say that it is simply y square equal to x square plus constant because when we multiply with cross multiplied by 2 we get a constant so the equation for the path is y square is equal to x square plus c y square is equal to x square plus c so that is the option c answer thank you